हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोल्डर के बारे में। ये हम पीसी में फोल्डर क्यों बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर को रीनेम करना, फोल्डर का आइकन चेंज करना, फोल्डर को हाइड करना, सेम नाम के दो फोल्डर बनाना, बिना नाम का फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर रिस्टोर करना, फोल्डर परमानेंट डिलीट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा फोल्डर क्या होता है। जिस तरह हम कॉपी किताबें रखने के लिए बैग का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर में फाइलों को स्टोर करने के लिए हम लोग फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप में कहीं भी ब्लैंक एरिया में आपको राइट क्लिक करना है और न्यू पे आना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है फोल्डर का। इस तरह आप जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं। जब आप फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर पर यहाँ पर नाम दिखाता है न्यू फोल्डर, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। बाकी आप यहाँ पर जो भी नाम देना चाहें वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपने फोल्डर का नाम दे दिया कंप्यूटर। फोल्डर में आप जो भी नाम देने के बाद अगर आप फोल्डर को दोबारा से रीनेम करना चाहते हैं, मतलब जो हमने नाम दिया इसके बाद हमें दोबारा से फोल्डर को रीनेम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रीनेम पे आना है। फिर यहाँ पर नाम दे देना है, या आप शॉर्टकट की कीबोर्ड से फंक्शन की F2 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, इसके भी आप अपना फोल्डर रीनेम कर सकते हैं। फोल्डर सेलेक्ट करना है, फिर F2 बटन प्रेस करना है, फिर यहाँ पर जो भी नाम आपको देना हो वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपने फोल्डर का नाम दे दिया वेलकम। फिर यहाँ पर फोल्डर का आइकन चेंज करना। आइकन चेंज करना मतलब जैसे यहाँ पर आइकन हमारा क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट ग्राफिकल साइन होता है जिसकी मदद से फोल्डर हमारा आइडेंटिफाई होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकल बिन का आइकन, नेटवर्क का आइकन, दिस पीसी का आइकन। इसी तरह हमें अपने फोल्डर का भी आइकन चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पर आना है और यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन कस्टमाइज पर आना है, फिर चेंज आइकन पर आना है। यहाँ पर जो भी आइकन आपको सेलेक्ट करना हो वो आइकन सेलेक्ट करना है, ओके करना है, अप्लाई करना है। तो इस तरह आपके फोल्डर का आइकन चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर फोल्डर का आइकन पेड़ का एक आइकन बनके यहाँ पर आ गया। फिर अगर हमें फोल्डर में फाइलें ले जाना है, मतलब फोल्डर का जो हमारा सबसे मेन काम होता है फोल्डर के अंदर फाइलें ले जाना, तो जहाँ से भी आपको फाइलें ले जाना है सबसे पहले उसे ओपन करना है। जैसे यहाँ पर रफ़ नाम का फोल्डर है, हमें यहाँ से फाइलें ले जाना है, तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, फाइल सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका फोल्डर कॉपी हो जाएगा। फिर फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब अगर हमें अपने फोल्डर में इससे ज़्यादा फाइलें लाना है तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले जहाँ आपको लेना है फाइलें उसे ओपन करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और फोटोज़ पर क्लिक करते जाना है, फिर राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है, फिर अपने फोल्डर को ओपन करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा फाइलें अपने फोल्डर में ले जा सकते हो। फिर यहाँ पर आता है फोल्डर हाइड करना। फोल्डर हाइड करना मतलब कि फोल्डर हमारा रहे तो, पर फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर दिखाई ना दे। उसके लिए भी हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और यहाँ हिडन पर टिक लगा देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। इससे फोल्डर हमारा टेम्परेरी हाइड हो जाता है, मतलब फोल्डर कलर जो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ब्लर हो जाता है। हम चाहते हैं फोल्डर पूरी तरह से दिखाई ही ना दे, तो उसके लिए हमें दिस PC यहाँ पर आना है कंप्यूटर में और व्यू मेन्यू में आना है, हिडन से टिक यहाँ से हटा देना है हिडन आइटम से, तो वहाँ से फोल्डर हमारा हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर फोल्डर हमारा अब नहीं दिखाई दे रहा, पर हमें ही ज़रूरत है दोबारा से वो फोल्डर लाना है, तो लाने के लिए फिर से दिस PC में आना है और व्यू मेन्यू में आना है और यहाँ हिडन आइटम पर फिर से टिक लगा देना है, तो यहाँ पर फोल्डर हमारा दिखाई देने लगेगा। अब फोल्डर पूरी तरह से लाने के लिए फोल्डर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है और यहाँ हिडन से टिक हटा देना है, तो यहाँ पर फोल्डर हमारा पूरी तरह से आ जाएगा। फिर अगर हमें सेम नाम के दो फोल्डर बनाना है, जैसे यहाँ पर वेलकम नाम का एक फोल्डर हमारा पहले से, दूसरा हमें वेलकम नाम का फोल्डर बनाना है, तो उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रीनेम पे आना है
वेलकम। अब जैसे ही वेलकम लिखा हम यहाँ पर एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन अ फोल्डर नेम वेलकम। मतलब यहाँ डेस्कटॉप पर पहले से वेलकम नाम का एक फोल्डर है, आप दोबारा से नहीं बना सकते हो। फिर भी अगर हमें वेलकम नाम का फोल्डर दोबारा से बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कोड लिखना पड़ता है। इसके लिए हमें कीबोर्ड से ऑल्ट 255, फिर यहाँ पर जो भी नाम देना है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, फिर एंटर। तो यहाँ पर सेम नाम के हम दो फोल्डर बना सकते हैं। इस तरह में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे वेलकम नाम का फोल्डर, दूसरा हमारे ये वेलकम नाम का फोल्डर। इसी तरह अगर हमें बिना नाम का फोल्डर बनाना है, मतलब फोल्डर में कोई नाम दिखाई ही ना, तो उसके लिए भी हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रीनेम पे आना है। रीनेम के आने के बाद जो नाम लिखा है वो नाम हमें हटा देना है, और इसके लिए भी हमें कीबोर्ड से ऑल्ट 255 प्रेस करना है और फिर एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारा बिना नाम का फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह आप बिना नाम का फोल्डर बना सकते हो। फिर अगर हमें फोल्डर डिलीट करना है, मतलब फोल्डर हमें डिलीट करना है, तो हम जब फोल्डर डिलीट करते हैं वो फोल्डर हमारा रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। रिसाइकिल बिन को यहाँ पर ऐसा डस्टबिन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह हमारे घर का डस्टबिन होता है, जो भी फोल्डर वगैरह, जो भी हमको इंपॉर्टेंट सामान हमारा चला जाता है तो हम ला सकते हैं, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन होता है। जो भी हम फोल्डर वगैरह फाइल डिलीट करते हैं वो हमारे रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक किया और डिलीट, या आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करोगे तो भी आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब लाने के लिए हमें रिसाइकिल बिन में आना है, ओपन करना है, और यहाँ पर ये हमारा वेलकम नाम का फोल्डर है, इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रिस्टोर। इससे ये फोल्डर फिर से हमारा वहीं पे आ जाएगा जहाँ से हमने डिलीट किया था। अब अगर हमें फोल्डर परमानेंट डिलीट करना है, हम चाहते हैं फोल्डर हमारा रिसाइकिल बिन में जाए ही ना, सीधे हमारा परमानेंट डिलीट हो जाए, उसके लिए फोल्डर हमें सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक विंडो आएगी जहाँ पर लिखा होगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप अपना ये फोल्डर परमानेंट डिलीट करना चाहते हो। तो जब आप यहाँ पर यस करोगे, तो अगर हम दोबारा से रिसाइकिल बिन में जाकर देखें तो वहाँ पर हमें वो फोल्डर नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिसको आपको मिलते रहे हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।